जिस तरीके से वो दहाड़ रहे आसान नहीं होगा एक्सपाक के लिए उनको यहां से टालना। सोमराज इंस्टेंटली नॉकआउट किए गए, सारंग वापस एक बेहतर एंकर साबित हुए थे पिछले एक वीकेंड के मुकाबले में एंड यहां पे भी पहला पिक वो कन्वर्ट करते हुए जरूर से नजर आएंगे। एंड निंजा जॉर्ड दूसरे से मेडली स्पोर्ट्स के साथ फाइट लेते नजर आएंगे, बट सारंग फाइनली कनेक्शन होगा, पुकार पिक से एचपी पे जरूर बच जाते शैडो। दौरान आई थिंक वो रिवाइव पे भी जा चुके, बट शैडो वो भी रिवाइव पे आते हुए नजर आ चुके, खिलाड़ी को देख चुके, रिवाइव अभी अभी जस्ट मिला था। शैडो टर्न्स अराउंड, दोनों को खत्म करके दिखा देंगे अपने यूएमपी के जलवे एंड इसी के साथ मिलेगा स्प्रे गॉड का एंड एक्सपास दे विल सर्वाइव। ब्रेकआउट नॉक हुए एक्सपा की तरफ से, कोशिश करना पड़ेगा थोड़ा सा क्लोज करें, बट सारवे दी सीधा रैन ओवर करने की कोशिश है इधर, बट शैडो यहाँ पे उनको मौका मिल जाएगा। एक्सपा के तीन खिलाड़ी पीछे मौजूद थे, उसका आइडिया नहीं था, बट एक्सपा 9 फिनिशेस के साथ यहाँ सफाया भी कर देंगे बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स का एंड पीछे से आने वाले उस तूफान को वापस से रोका गया है। एक्सपा दहाड़ रहे पूरे मिलामार के मुकाबले में, वाइल ओरैंगुटन भी विंड गॉड को देखकर तो मैं डालते हुए नजर आएंगे। एक्सपा बहुत ही बेहतरीन खेल रही है, दोबारा यहाँ पे रिवाइव करने के लिए मौका मिल चुका है, स्प्रे गॉड वापस गेम में आते हुए नजर आ रहे हैं। साउंड दे रहे दो खिलाड़ी एक ही जगह पे पूरी तरीके से स्टंड आउट है, वो एक नेड कमाल कर सकता है। स्प्रे गॉड केस ओपनिंग के साथ विंड गॉड को एक और झटका मिलेगा, पलक झपकते विंड गॉड का भी सफाया हो जाएगा। एंड इट्स ऑल कमिंग डाउन टू अ 4v2 सिचुएशन जहां पे सर्कल के अंदर रेकनिंग के खिलाड़ियों को आना पड़ेगा, क्या वो फिनिश पॉइंट देंगे या फिर बाहर ही प्ले जोन को वो देना चाहेंगे ये देखने वाली बात है। रेकनिंग कोई आगे का कदम नहीं ले रहे, मोलोटोव से पीछे धकेला जा रहा है, बट निंजा जॉर्ड इज डेस्परेट फॉर दिस फिनिश, एक फिनिश तो मिल जाएगा। उसी के साथ साथ क्या 12 फिनिशेस का ये गेम निकाला है टीम एक्सपाक ने वो देखने वाली बात रहेगी, बट एक बहुत बड़ा गेम जब चाहिए था वो यहाँ लेके जाते हैं, एक विनर विनर चिकन डिनर विच वॉज